हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब एंड एक्सेल आइडियाज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। चलेगा कीवर्ड आईओ टूल का यूज़ करना सीखेंगे और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो ये सब तरीके सीखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम अपना क्रोम ओपन कर लेंगे और वहाँ पे हम अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेंगे, जहाँ पे हमारा यूट्यूब का लिंक या चैनल है वो ओपन कर लें। और वीडियोस के अंदर जाके हम देखें, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ YT स्टूडियो, तो ये देखें फर्स्ट जो है इसको लिंक ओपन करेंगे तो हमारा YouTube स्टूडियो ओपन हो जाएगा। बेसिकली कीवर्ड IO टूल का मतलब मकसद ये है कि हम अपनी वीडियोस के अंदर कोई भी टैग्स, कोई भी लिंक्स वगैरह जनरेट करवाना चाहें तो वो कर सकते हैं। नॉर्मली हमें वीडियो के जो टैग्स वगैरह होता है वो वन बाय वन लिखना पड़ता है या फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा बने बनाए टैग्स मिल जाएंगे। टैग्स का मतलब क्या इस्तेमाल है, उसका क्या यूज़ है? टैग्स हम वीडियोस जब सर्च करते हैं तो क्या लिखते हैं, जो हम लिख के सर्च करते हैं वही टैग्स हमारा होगा। तो यहाँ पे मैं वीडियोस पे क्लिक करके इसमें से किसी एक वीडियो को ओपन करता हूँ, उसके एडिट पॉइंट पर जाएंगे और नीचे कर्सर को डाउन करूँगा। मैं दोबारा मैं बताता हूँ, ये देखें ये वीडियोस आ गई हैं। इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एडिट पॉइंट पे चली जाएगी। यहाँ पे हम इसको नीचे का ड्रॉप डाउन करेंगे तो सी मोर का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। ये रहा सी मोर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखें ये रहा सी शो मोर। तो नीचे हमें यहाँ पे टैग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ये रहा टैग्स, यहाँ पे मैंने जस्ट दो टैग्स ऐड किए हुए हैं, तो इसी से रिलेटेड हम और टैग्स ऐड करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो नॉर्मली तो हम इस तरीके से लिखेंगे वन बाय वन, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, या कॉपी पेस्ट करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्रोम के ऊपर लिखेंगे कीवर्ड IO। और इसको सर्च कर देंगे, हमारे पास फर्स्ट लिंक होगा या सेकंड नंबर पे होगा, अक्सर फर्स्ट नंबर पे होता है लिंक। ये देखें कीवर्ड IO, इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इसका मेन्यू है, लोगो है। तो यहाँ पे हम अपना जिस किस्म का, जिस टाइप का टैग ऐड करना चाहें उससे रिलेटेड थोड़ा सा टैग लिखते हैं। जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं डोंट डिलीट एनी फाइल और फोल्डर, तो उससे रिलेटेड लिख दें हाउ टू डिलीट एनी टाइप फोल्डर एंड फाइल इन माई PC या इन माई कंप्यूटर, जो भी है वो लिख दें। और हम करेंगे इसको सर्च, सर्च का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम सर्च करेंगे। तो ये देखें थोड़ी देर, ये देखें ये हो गया 125 कीवर्ड इसने सेलेक्ट किए हैं इससे रिलेटेड जो है। अगर इस तरह का आपसे अकाउंट मांगे तो आपने ड्रैग करना है और नथिंग पे क्लिक कर देना है, नो थैंक्स, यानी कि अकाउंट हम ऐड करना नहीं चाहते। तो इस तरीके से हम यहाँ से जो भी सेलेक्ट करना चाहें टैग्स वगैरह, तो उसको हम थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे और नीचे से ड्रैग करके उसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और हम आ जाएंगे अपने YT स्टूडियो के अंदर। ये रहा, इसके अंदर अगर हम इसको डायरेक्टली पेस्ट करेंगे तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने 3-4 टैक्स इकट्ठे सेलेक्ट किए हैं, तो इसका जो कलर जो है ये देखें रेड हो गया है, यानी कि एरर आ रहा है। देखें टैक्स भी हमारा पूरा है लेकिन एक ही टैक्स हैंड टैक्स में अंदर हमारा काफ़ी ज़्यादा टैक्स था है। तो इसका तरीका क्या है, हम मैसेज ओपन करेंगे, यहाँ पे हम वही टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे। ये पूरा एक सेंटेंस बन गया इसलिए वो एरर दे रहा था, तो यहाँ पे हमारा एक फिक्रा या एक लाइन मुकम्मल हो रही है, वहाँ पे हम कोमा देंगे और नेक्स्ट। इसी तरह जहाँ पे हमारा कोमा आना चाहिए वहाँ पे हम कोमा देंगे, कैप लॉक कर देंगे, यानी कि उसको नीचे की तरफ फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे, कॉपी कर लें या कट कर लें, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे तो इजीली पेस्ट हो जाएगा, कोई एरर वगैरह नहीं आएगा। ये देखें
ये वन बाय वन, अगर आप इसको कैप लॉक ना भी करें जस्ट कोमा दे दें तो फिर भी ये देखें ऐड हो जाएगा, फिर भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम इसको कर देंगे सेव, तो ये देखें हमने टैग्स वगैरह ऐड कर दिए हैं। इस तरीके से हम अपनी वीडियो के अंदर टैग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप वेबसाइट के लिए लिंक्स वगैरह, iOS और कुछ भी जो भी यानी कि चाहिए आपको डाटा इससे रिलेटेड, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब के लिए ये ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है सारा कुछ, ई बाई के लिए, अलीबाबा के लिए, फाइबर के लिए, तो जिससे रिलेटेड आपको जो भी चाहिए कीवर्ड तो वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा अकाउंट मांगे तो आपने नीचे ड्रैग करना है नीचे, और ये लिखा है नो थैंक्स आई वांट कंटिन्यू, इस पर ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें दोबारा वहीं पे आ जाएगा, हमें अकाउंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, आज के लिए।